रात खाना भी स्टार्ट कर दिया है, अच्छा लग रहा है जी। अब पूरा दोस्तों देख सकते हैं मुंह में, उसी दिन से बोल रहे थे कि स्प्राइट लाओ, लेकिन दोस्तों ठंडी है ना तो मिल नहीं। और बताइए कैसा है यहाँ का समोसा? बहुत है दोस्तों। राधे राधे, नमस्कार, प्रणाम, और आप सभी को स्वागत है सुनील गुड़िया ब्लॉग्स चैनल में। तो अभी दोस्तों सुबह का समय हो गए हैं और हम अभी हाथ में झाड़ू लिए हुए हैं और अभी सारे आंगन को घर को साफ कर दिए, बस बाहर है देखिए अभी साफ कर देते हैं। तो यहाँ तक देखिए पूरा हम देखिए साफ कर देते हैं ताकि अच्छा दिखे और साफ सुथरा भी रहे। और बर्तन हम देखिए निकाल दिए हैं वाश कर देखिए, अभी इधर भी झाड़ू देते हैं क्योंकि विराट और चीटू सब खेलते रहते हैं इधर उधर, तो अच्छा नहीं लगता है, इसलिए साफ करते हैं और खेलते रहते तो दिक्कत नहीं। तो अभी चारों तरफ है जो कि झाड़ू हम लगा लिए हैं, ये देख लीजिए आप लोग सुबह सुबह का नज़ारा कितना एकदम शांति है और साफ सुथरा जगह है। और वहाँ पे विराट और चीकू बैठे, विराट और चीकू के पापा जी बैठे हुए हैं। चलिए आप चीकू को हम दिखाते हैं, ये देख लीजिए विराट को लेकर बैठे हुए हैं चीकू के पापा जी, और चीकू है जो कि अभी सोई हुई है, नमस्कार बोल रहे हैं। और आप सभी को दिखाते हैं कि मेरा घर का काम है देखिए कितना हुआ है। तो आप लोग देखिए बाहर का प्लास्टर है जो कि पूरे हो चुके हैं, चलिए अंदर अभी लेकर चलते हैं आप लोगों को, ये देख लीजिए अंदर भी हो गए हैं, देख लीजिए पूरा प्लास्टर है जो कि हो गए हैं चारों तरफ, बच्चा खुचा है तो आज कर लेंगे मामा जी। और देखिए सामान जब काम रहता है तो सुबह में निकालते हैं सारे सामान को और रात में फिर रख देते हैं इसी घर में और बंद कर देते हैं। तो चलिए अभी हम बर्तन है जो कि फटाफट से वाश कर लेते हैं क्योंकि खाना भी बनाना है और विराट के पापा जी को और मामा जी को काम भी करना है, जल्दी खाना बनाएंगे तब जल्दी काम होंगे। तो चलिए अभी हम बर्तन है जो कि वाश कर लेते हैं। और रात को जो बर्तन धोए थे वो बचा हुआ है तो चलिए उसे भी लाकर साथ में ही धो देते हैं क्योंकि रात में छोड़ देते हैं तो कीड़ा मकोड़ा आकर पड़ जाते हैं। देखिए तो चलिए अभी सारे बर्तन को हम धोते हैं। तो जो बर्तन जूठा जूठा वाला रहता है तो रात में धो देते हैं और जो बच जाता है वो उस समय इस समय धो लेते हैं। चलिए अभी हम सारे बर्तन को धो लेते हैं। बर्तन है जो कि वासी कर रहे थे कि सब्जी वाला बेचने चले आए तो अभी हम सब्जी ले लेते हैं बनाने के लिए। कैसे बोले बंदवा? 10 रुपए एक के जी। हाँ दे दीजिए 1 केजी बंदा गोभी। पत्ता गोभी है और फूल गोभी है और यहाँ पे कटहल भी है तो अभी हम पत्ता गोभी है जो कि ले लेते हैं। तो दोस्तों ये रोज सब्जी है जो कि बेचने चले जाते हैं सुबह सुबह, तो कभी कभी हम ले लेते हैं, रोज रोज नहीं लेते हैं, कभी कभी ले लेते हैं। लो 12 रुपया लीजिए, हम 10 रुपये लेकर आए, आते हैं 2 रुपया लेकर। दोस्तों पत्ता गोभी है जो कि ले लिए हैं, 2 रुपये और दीजिए, दे दीजिए जाते हैं। So, दोस्तों सब्जी बनाएंगे, पत्ता गोभी का सब्जी। सुला दिए थे, उठ गया विराट, पकड़ ही रख दीजिए हम बातों में ढोलते हैं। रख दे रहा। अच्छा हम ही रख देते हैं। क्या हुआ विराट, उठ क्या? तो दोस्तों अभी किचन रूम में ही रख देते हैं और जल्दी से हम बर्तन है जो कि वाश कर लेते हैं। बर्तन है जो कि वाश कर लिए हैं और सब्जी भी ले लिए हैं और यहाँ पे अभी हम मीट देते हैं, यहीं पे खाना बनाएंगे तो अच्छे से लीजिए क्योंकि रात के समय
कुत्ता उत्ता सब आकर चाट जाते हैं, इसलिए सुबह निकल कर खाना है जो कि बनाते हैं यहाँ से, और अंदर से गैस लाएंगे और चूल्हा तो वहीं पर रखेंगे। दोस्तों अभी हम खाना बनाने के लिए स्टार्ट कर दिए हैं। यहाँ पे देख लीजिए चूल्हा भी साफ हो गए हैं और चावल बनाने के लिए तसली भी चढ़ा दिए हैं और गैस भी जला दिए हैं, और इधर सारा सामान है जो कि लाकर रख भी दिए हैं खाना बनाने के लिए, ये देख लीजिए। और अभी हम चावल है जो कि फटा के लेते हैं, क्योंकि ये देहाती चावल है और इसमें भूसा है थोड़ा और काला काला सा, ये देख लीजिए ये छोटे छोटे काला काला सा है, ये भी निकालना पड़ता है। तो अभी चलिए हम निकालते हैं। दोस्तों चावल को अभी साफ कर लिए हैं, ये देख लीजिए काला काला सा जो चावल हो जाते हैं वो भी निकाल दिए हैं और भूसा भी निकाल दिए हैं, और अभी धो लेते हैं। तो पानी पहले से ही ला कर रख देते हैं यहीं पे, क्योंकि कल पे बार बार न जाना पड़े। तो दोस्तों चावल को साफ कर लिए हैं 3 से 4 पानी से, अभी अद्धन हो गए हैं, तो अभी हम चावल को डाल देते हैं। A few minutes later. चावल है जो कि हम बना लिए हैं, वहाँ पे देखिए उतार दिए हैं, और यहाँ पे अभी हम चाय बना रहे हैं। मामा जी बोले हैं कि चाय बना दीजिए, तो हम उनके लिए चाय बना रहे हैं और कुछ हम भी पी लेंगे और चिकू के पापा जी भी पी लेंगे। यहाँ पे देख लीजिए पापड़, तो पापड़ को अभी हम तोड़ लेते हैं और कढ़ाई में भूनेंगे, और हम बनाएंगे बेसन का करी जिसे बोलते हैं। तो पहले पापड़ भून लेते हैं, उसके बाद जो कि भुंजिया जो कि भून लेंगे, तब हम बनाएंगे बेसन के करी, क्योंकि मामा जी आए हैं तो कुछ दिन के लिए तो अच्छे अच्छे खाना है उनको बना कर खिलाना ही पड़ेगा, ताकि काम ही जो कि अच्छे से करें। तो पापड़ को हम फ्राई कर लेते हैं, देखिए 6 KG प्याज मिल रहा है तो हम लिए हैं, तो अभी है तो अभी नहीं लेंगे। चिकू पापड़ भी छान लेंगे। तो चलिए दोस्तों एक एक करके सारे पापड़ को हम छानते हैं, और करी और भुजिया जो कि भूनते हैं तो आप सभी को दिखाएंगे ही। तो चलिए अभी पापड़ को हम भून लेते हैं, सारे पापड़ को तब दिखाएंगे। A few minutes later. तो पापड़ है जो कि पूरी तरह से भून लिए, देख लीजिए इतने सारे पापड़ है जो कि भून लिए हैं, और भुजिया भी बना ली है वहाँ पे कटोरा में, देख लीजिए भुजिया भी रेडी हो चुके हैं और चावल भी बना लिए हैं। अब बारी आती है करी की, तो अभी करी हम बनाते हैं। तो यहाँ पे बेसन है जो कि हम घोल दिए हैं बरी बनाने के लिए, बरी कढ़ाई भी गर्म हो गई है, तो अब हम बरी बनाने के लिए बेसन को डालते हैं। ये देख लीजिए, और विराट है जो कि गोद में, इसलिए बढ़िया से नहीं बन पा रहे हैं। तो दोस्तों जितना तेल था उतना में हम बरी डाल दिए, और अब हम पलट देते हैं। ये देख लीजिए एक तरफ ब्राउन कलर हो गया है, और दोनों तरफ जब लाल हो जाएंगे तो निकाल देंगे, इसे लगभग हो ही गए हैं निकालने लायक। विराटू तो दोस्तों बरी है जो कि लाल कलर के हो गए हैं, और थोड़ा खराब हो गई थी तो विराट को लिए हुए, बढ़िया से नहीं बन रहा है बनाने में। तो सारे बर्री है जो कि बना लिए हैं, और विराट को दूध पिला दिए तो बाहर खेल रहा है, और यहाँ पे देखिए लाल मिर्च का फोरन और प्याज का फोरन दिए हैं, और यहाँ पे बेसन जो बचा हुआ था उसे घोल लिए हैं, और यहाँ पे गोल की जीरा और लहसुन और धनिया और मिर्च जो कि हम सारे को पीस लिए हैं, और इसमें अब
डालेंगे मसाला। हाँ बेटा, तो थोड़ा ज्यादा हम मसाला पीस लिए हैं तो कम ही डालेंगे, क्योंकि बर्री में कम ही मसाला लगते हैं। इसे बंद करके रख देते हैं शाम के लिए। और एक छोटे छोटे टुकड़ों में काटेंगे ताकि जल्दी गल जाए। A few minutes later. दोस्तों मसाला है जो कि पूरी तरह से भुना गए हैं, एकदम ब्राउन कलर का हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे जो घोले हुए हैं बेसन, डाल दिए इसमें थोड़ा पानी डालेंगे। और मामा जी हैं जो कि इधर काम में लगे हुए हैं। और आज मामा जी को खिलाएंगे चावल, पापड़, भुजिया और बर्फी। लगता है कि थोड़ा हल्दी कम डालें, हल्दी जो कि थोड़ा और डाल देते हैं। हाँ बेटा, झोला नमक भी डाल लेते हैं और खोलने तक जो कि वेट करते हैं, खोल जाएंगे तब हम जो कि बर्फी डालेंगे। A few minutes later. So, दोस्तों बेसन है जो कि खोल गए हैं, अभी हम डालते हैं बर्री को। और पापा जी यहीं पे हैं, वही कैमरा कर रहे हैं। तो पूरी तरह से खाना है जो कि हम बना लिए हैं, चावल और बर्री करी, और यहाँ पे देखो पापड़ और भुजिया, और सभी लोग को हम खाना दे दिए हैं खाने के लिए। और इधर चिकू के पापा जी हैं, देखिए खाना बैठ चुके हैं। तो हमारी यूट्यूब फैमिली, सबसे पहले आप लोग खा लीजिए और जल्दी जल्दी दोस्तों खाना खा करके ना काम पर दोस्तों लगे, क्योंकि आज भी दोस्तों काम है जो कि घर का, अभी कुछ दिन दोस्तों काम होते ही रहेंगे। तो चलिए मेरे यूट्यूब फैमिली आप लोग खा लीजिए, उम्मीद करते हैं कि आप लोग खाना खा लिए होंगे। और मैं दोस्तों खाता हूँ और बताता हूँ कि कैसा मतलब खाना है दोस्तों आज। टेस्ट तो बहुत दोस्तों मतलब जो बनाते हैं खाना तो ये भी दोस्तों आगे बोलो। हेलो, प्रणाम करो, प्रणाम करो, प्रणाम। राधे राधे राधे। खाना दोस्तों बड़े ठीक बने हुए हैं, ये देखिए 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 किसी ले इमली रहता ना, इमली इमली ना, इमली है ना दही, बड़े में इमली रहता ना, इमली चाहे दही तो दोस्तों टेस्टी और भी बन जाते हैं ना। चीकू जो कि खेल रही है, चीकू तुम भी खा लो पापा के साथ में खाना, खेल रही है। जल्दी जल्दी खाना खाइए, फिर उसके बाद दोस्तों गुड़िया जी खाना खा लेंगे, तो बोल रहे थे खा लीजिए आप साथ में ना, पहले लेकिन मेरे को काम करना है दोस्तों, इसीलिए बोल रहे थे। चलिए मेरी यूट्यूब फैमिली खाना वाना खाते हैं, उसके बाद मिलते हैं। The next day. तो दोस्तों इस ब्लॉग को अगले दिन हम शूट कर रहे हैं, और हमारा घर है जो कि करीब करीब पलस्तारा हो गए हैं, और इसी के खुशी में देख लीजिए यहाँ पर दोस्तों मंगाए हैं ये लोग जो कि स्प्राइट और समोसा। और मामा जी दोस्तों शायद कल चल जाएंगे ना। हाँ। काम दोस्तों फाइनल हो चुके हैं, मतलब थोड़ा और दोस्तों बाकी है, तो इसीलिए दोस्तों स्प्राइट मामा को पिला देते हैं। उसी दिन से बोल रहे थे कि स्प्राइट लाओ, लेकिन दोस्तों ठंडी है ना तो मिल नहीं रहे थे, और गांव में तो दूर दोस्तों जा करके लाना पड़ा है स्प्राइट। तो चलिए सभी यहाँ पे गांव में जो दुकान उसमें, और साथ में दोस्तों समोसा भी है, और हम लोग खाना खाए हुए हैं दोपहर का, तो चलिए समोसा सभी लोग दोस्तों मिल करके खाएंगे नाश्ता के तौर पर। तो हमारे यूट्यूब फैमिली आप लोग स्प्राइट और पी लीजिए दोस्तों, और समोसा यहाँ पर ऐसे खोलिए ना। हाँ नहीं है, प्लेट लगाइए, प्लेट लेकर आइए ना। और इधर विराट देख लीजिए दम एकदम कैसे खा रहा है। विराट तू क्या खा रहा है तू? इधर चीकू प्लेट लीजिए, प्लेट लाइए प्लेट। दोस्तों यहाँ पे बर्तन गुड़िया जी निकाल दिए, अभी इसी में दोस्तों समोसा लगाएंगे और ग्लास में, हाँ यहीं पर लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इधर दोस्तों घोला जो की घुरा रहे, हाँ हाँ चिकुद लेकर आइए प्लेटवा,
प्लेट निकालिए, चार ठो प्लेट निकालिए। का चिको पियोगे, तुम भी पियोगे? हाँ, सर्दी सर्दी हो जाएंगे पियोगे तो। रात खाना भी स्टार्ट कर दिया, अच्छा लग रहा है जी। अब पूरा दोस्तों देख सकते हैं मुंह में वैसलीन लगा लिया है। काको मम्मा ये भी मांग रहा है, ये भी खाने के लिए मांग रहा है। खुली ना, खुली ना, आराम से खोल लीजिए। तो दोस्तों नाश्ता है जो कि लग गए हैं, और बताइए कैसा है यहाँ का समोसा? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है ना। और कल दोस्तों मामा जी जो कि चले जाएंगे तो मतलब थोड़ा खराब लेंगे। अभी हम लोग तो जितने भी काम कर रहे थे ना, एंजॉय ले लेकर के काम कर रहे थे, मजा आ रहे थे, और कल चले जाएंगे क्योंकि करीब करीब दोस्तों। हाँ, स्प्राइट निकाल दीजिए, चिकू देख लीजिए मामा जी। और ये इस सीजन का फर्स्ट बार है ना, क्योंकि ठंडी में तो मिल नहीं रहा है। राहुल को दीजिए, लीजिए इसमें से। हाँ लीजिए सूरज। राहुल गिलास नहीं, खत्म, गिलास खत्म हो गया। स्प्राइट पीजिए। अच्छा दोस्तों ठंडा है, ठंडी के मौसम ठंडा है स्प्राइट। और दोस्तों आप सभी को बता दूं, ये मामा जी है ना, हमको पढ़ाने में बहुत ज़्यादा हेल्प किए हैं। जब मैं छोटा सा था ना तो ये मेरे को मतलब पढ़ाते थे, और मैं दोस्तों मतलब नानी के यहाँ ही रह करके मैं पढ़ा हूँ। जो लाइन होते हैं ना वो मतलब धराए हैं मेरे नाना नानी और मामा जी पढ़ाए हैं, तो बहुत ज़्यादा दोस्तों खुशी होती है। पढ़ाए कि नहीं, खुशी होता है, याद भी आता होगा। याद तो बहुत आते हैं, क्योंकि दोस्तों आज नानी नहीं पढ़ाते, मामा सहयोग नहीं करते, तो शायद आप लोग हमें नहीं देख पाते, तो इन लोगों का दोस्तों क्रेडिट जाता है। और थैंक यू दोस्तों आप लोगों का, जो आप लोगों ने एक एक सब्सक्राइब बटन दबा करके आप लोग इतना आगे ले गए हैं, तो थैंक यू आप सभी को। आप लोग की जितना भी तारीफ करूं नगरिया जी उतना कम है। पीजिए ना, आप पीजिए। तो चलिए मेरी ड्यूटी फैमिली, अभी हम लोग भी जो कि स्प्राइट उस्प्राइट पीते हैं और समोसा खाते हैं। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो हम लोग यहीं तक रखते हैं, है ना। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आप सभी को अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगे होंगे तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और जो लोग दोस्तों चले पे सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए मेरी ड्यूटी फैमिली, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।